हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका स्वागत करता हूँ माई प्लांट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो मिंट यानी कि पुदीने के ऊपर है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसको कटिंग से आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो अब मौसम है आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका है। मैंने ये देखो पुरानी कटिंग जो थी इससे कटिंग ली है। दोस्तों इसके बारे में पूरी वीडियो देखें आप अगर आप पुदीना लगाना चाहते हैं। दोस्तों ये जो मौसम है बेस्ट मौसम है यानी कि पुदीना लगाने के लिए। आप इस मौसम में कटिंग से भी पुदीना लगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा कौन सी मिट्टी लेनी है, कैसी खाद यूज़ करनी है हमने। दोस्तों ये मैंने मिट्टी का मिक्सर तैयार कर रखा है, आप देखें। दोस्तों इस आपने क्या ये जो हमारे गार्डन की नॉर्मल मिट्टी होती है वही मिट्टी है। क्या करना है आपने 75% मिट्टी लेनी है और इसमें 25% खाद ऐड करनी है। जो खाद ऐड करनी है या तो आपके पास बर्मी कंपोस्ट है तो आप वो मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गाय का जो गोबर होता है नॉर्मल डी कंपोस्ट हुआ, कम से कम एक साल पुराना गोबर होना चाहिए ये, इसको अच्छी तरह से ब्रीक छान लें और इसमें मिक्स कर लें और हमारा ये मिक्सर तैयार हो जाएगा दोस्तों। और जो पुदीना है हमने क्या करना है ये देखें, इस जो मैंने कटिंग से लगाया था इसकी जो रूट्स हैं बड़े अच्छे से देखें, ये देखें अभी दो ही चले हैं और आप ऐसे लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग के बारे में आपको मैं बताऊंगा, आपने 2 से 3 इंच की पुराना जो पुदीना होता है उसकी कटिंग लेनी है ऐसे और इसके नीचे के 1 इंच तक के पत्ते साफ़ कर दें ताकि जो पत्ते गले ना, और पानी इसमें जो पानी डालना है कम से 1 इंच ही पानी डालना है अपने अपने जो भी बर्तन यूज़ करना है उसमें और इसको इसके अंदर डिप कर देना है दोस्तों ऐसे इसको डिप कर दें। और इसको जो डिप करने के बाद इसको सिर्फ शेडेड एरिया में ही रखें जहाँ पे छाएँ आती हो फुल टाइम, एक टाइम सुबह के टाइम सिर्फ धूप आती हो बस। और दोस्तों इसकी 1 हफ्ते के अंदर जो स्टार्ट हो जाएंगे रूट्स आना। और दोस्तों ये जो पुदीना है आप इतनी छोटी सी बोतल में भी लगा सकते हैं क्योंकि दोस्तों एक तो ये देखें आप ऐसी बोतल में लगाएंगे इसमें हैंग हुआ हुआ पुदीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें ऐसे मैंने जो इसके साथ की जो रूट थी इसके अंदर लगा दिया है ऐसे करके। और ये जब इसकी जब अब आप अपडेट चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपडेट ज़रूर दिखा दूँगा मेरा पुदीना कहाँ तक ग्रोथ कर चुका है। और इधर जो डायरेक्ट मैंने मिट्टी के अंदर जो लगाया था ये देखें, इसमें थोड़ी सी मैंने जो कटिंग थी काफ़ी ज़्यादा मोटी जो थी वो वाली लगाई थी। ये देखें इसको भी मैंने छाया वाले एरिया में ही रखा था। ये देखें यहाँ पे जो देख सकते हैं आप इसके अंदर नए पत्ते आ चुके हैं और ये जो पुराना था मेरा ये गलना स्टार्ट हो चुका है। और इस अभी एक साइड पर थोड़ा सा ये मैंने लंबा लगा दिया था, इसकी कटिंग यानी कि 7-8 इंच की होगी। ये देखें इसमें भी अभी पत्ते आ रहे हैं लेकिन इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो है। दोस्तों आप ऐसे लगा सकते हैं, अभी ये पुदीना लगाने का बेस्ट मौसम है दोस्तों। अगर आप लगाना चाहते हैं आपको कहीं से कटिंग मिलती है आप लेके लगा लें, अगर आपको रूट्स नीचे जड़ मिल जाती है तो सबसे अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा छेती ग्रोथ कर जाती है यानी कि इसको लग जाते हैं फिर भी 1 हफ्ता वो यानी कि 1 या 2 दिन में चलना स्टार्ट हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और जानकारी के लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।